हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तो दोस्तों, हम लोग के दिमाग में ये आया कि ये जो एयरबेड है, इसमें हम घर में तो अच्छे से सो सकते हैं, लेकिन ये जो एयरबेड है, इसको हम अगर पानी में बोट की तरह चलाए और फिर उसके ऊपर बैठेंगे तो वो क्या तैर पाएगी या नहीं तैर पाएगी, या वो कुछ ही देर जाके डूब जाएगी। तो यही आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए एयरबेड को खुलाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एयरबेड और इसको फुलाने के लिए हमने एक जुगाड़ का काम किया है। और ये है वो कंप्यूटर का यूपीएस और ये है पाम, जो कि फ्लिपकार्ट से ही लिया है। और इसको हम इससे पावर देंगे और फिर इसको फुलाएंगे। तो इसको खोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यह है एयरबेड और ये लंबाई में इतना एक हाथ हो सकता है। खुलने के बाद पता चलेगा। और ये जो है, ये वेलवेट का माल लग रहा है, ये वेलवेट है। ये पानी में जाएगा तो ये शायद ये भीग के नष्ट हो जा सकता है, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर पॉलीथीन को चढ़ा देंगे और फिर सेलो टेप के द्वारा में सील कर देंगे। तो चलिए पहले इसको फुलाते हैं और फिर इसको ये कर। तो दोस्तों, हमने इसको साइज करके रख दिया है और फिर ये जो पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर घुसाएंगे। ये जो ये घुसेगा नहीं, और बीच वाला ये घुसेगा यहाँ पर, और फिर इसको हम यहाँ पर घुसा देंगे। फिर ये जो पंप है, ये जो हवा पंप है, इसको हम यूपीएस में घुसा दिया है। अब ये बाहर निकल गया। अरे यार, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो अभी यूपीएस को चालू करते हैं। आपको आवाज़ आ रहा है, ये यूपीएस चालू हो गया है। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो कहा था कि ये जो एयरबेड है, इसको हमने फुला दिया है, इसको इसके अंदर बहुत सारे हवा भर दिया है और इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो वेलवेट का पार्ट है, ऊपर वाला पोर्शन में जो वेलवेट का पार्ट है, ये कहीं कोई नुकसान ना पहुँच जाए, ये जो रेत है, ये इसके अंदर कोई स्क्रैच वैच ना आ जाए, इसीलिए हमने इसको कवर चढ़ा दिया है। और फिर हम लोग इसको ये एयरबेड को लेके नदी में जाएंगे। ये जो ये इधर है नदी, इसमें हम जाएंगे और ये जो इसको वहाँ पर तैराएंगे और देखेंगे ये अच्छे से तैर पाता है कि नहीं, और इसके ऊपर हम चढ़ेंगे कि ये बोट की तरह यूज़ होता है कि नहीं, यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए बोट को ले जाते हैं, लेके चलते हैं। तो इसको लेके जाते हैं पानी में। इस साइड पर चलो, आस्ते आस्ते आस्ते।
उसको हम रखते हैं नदी के ऊपर। तो दोस्तों इसको हमने पानी में लेके आए आ गए हैं और ये बेड को बेड के ऊपर अब हम चढ़ने वाले हैं, चढ़ के देखेंगे। उधर पकड़ो ना, चला जाएगा। इसके ऊपर चढ़ेंगे और फिर दोस्तों इसके अंदर ऐसे लंबा बैठ सो, बैठ सो। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं इस पर। वाओ गाइस, देखो नजारा पूरा पानी के अंदर है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोग आसानी से बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये पानी में तैर के जा रहा है, मतलब वो जो बोट होता है उससे भी अच्छा लग रहा है। तो इसके हम ऊपर सो जाएंगे, फिर राजा रानियों की तरह इसके इस पर हम इसके सारे साइड में कितने और रानी को क्या कहते हैं, रानी उतर उसका उसके चाम का चहली को क्या कहते हैं, सहली। तो कैमरामैन आ जाओ, आप ऊपर में आ जाओ, हम तीन लोग बैठ के देखेंगे कि ये जो है इस भर ले पाता है कि नहीं। और सो के उठो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत उठो गाइस, बैठ गए हम आराम से। हाँ अच्छे से बैठो। सुनो तनु जी, आप अभी उठ जाइए, जो पकड़ो। हाँ और उसको लंबा तुम सो जाओ उधर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि ये नाव की जैसा जा रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम आसानी से बैठ गए हैं। धूप है यार, बहुत धूप लग रहा है, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। अरे तू बोल, मेरे गुदगुदी गुदगुदी हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। बोले पानी तो रिवर के बीच को बीचों बीच है। हम लोग रिवर के बीचों बीच है। यहाँ पे एक बालिश लेके हम लोग यहाँ पे सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम लोग सो गया है इसमें, इसके अंदर बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग। तो दोस्तों इसमें जो फील हो रहा है, आपने सोते ही प्रीमियम वाला फील हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो फील हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब कि हम लोग सुबह से नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। अभी बज रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, साढ़े तीन बज रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम लोगों का बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। और इसमें सो के जो प्रीमियम वाला फील होता है ना, वो ऐसा हो रहा है। हम एक बात सोचो यार, तो हम लोग सोए हैं इस रिवर के ऊपर और एयरबेड को लेके, ये कितना अमेजिंग है आइडिया है यार। इतना वीडियो देखा तो एक लाइक कर देना यार, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर हम खड़े हो गए हैं और देखो क्या हो रहा है यार। मतलब मैं कैसा इसमें ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हम ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों इस बोट में हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया और ये जो बोट है आराम से नदी में तैर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वो जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर देना। बाय।